दो सोर्सेज से इनकम देता है, एक तो फिश से और एक वेजीज से। इसमें एक ही इनपुट है, फिश फीड। पेस्टिसाइड्स जो महंगी दवाइयाँ होती हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। अराउंड 90% से 95% तक वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं आप। बहुत ही बेनिफिशियल है इंडिया जैसे क्लाइमेट के लिए, जहाँ पे आज फार्मिंग में काफी वाटर क्राइसिस चल रहा है। एक्वापोनिक्स इज बेसिकली एन इंटीग्रेशन ऑफ एक्वाकल्चर विद हॉर्टिकल्चर इन अ सॉइललेस मीडियम। तो अगर आप देखें तो इसमें पीछे है दो टैंक्स जिसमें हमने फिश रखी हुई है। ये जब फिश को हम फिश फीड देते हैं तो वो अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोड्यूस करती है। ये जो अमोनिया है फिश के लिए हानिकारक है, इसको हमें पानी से निकालना ज़रूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो फिश मर सकती है। तो ये पानी हम बेड्स में डालते हैं जिसमें हमने पौधे लगा रखे हैं। ये पानी सबसे पहले जाता है मैकेनिकल फिल्टर और बायोफिल्टर में। मैकेनिकल फिल्टर में पानी में जो सॉलिड्स इम्प्योरिटीज होती हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं। फिर जो पानी में जो अमोनिया होता है वो जो है कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बायोलॉजिकल फिल्टर के पास थ्रू होने पर। तो ये बेड में हमारे अमोनिया से नाइट्रेट्स कन्वर्जन हो चुका है। ये जो नाइट्रेट्स है दिस एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स, जो कि प्लांट्स उसे कंज्यूम कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ उनसे ले लेते हैं। फिर ये पानी हमारा जाता है डीप वाटर कल्चर में। डीप वाटर कल्चर में हमने लीफी वेजिटेबल्स लगाते हैं जनरली। जो बचे हुए नाइट्रेट्स हैं जो यहाँ पे नहीं खत्म होते वो इन पौधे में चले जाते हैं और ये पौधे उससे ग्रो कर लेते हैं। फिर पानी रोटेट होके वापस फिश टैंक में अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू वाया ग्रेविटी चले जाता है। फिश टैंक को तैयार करने के लिए हमें ये देखनी पड़ती है कि आपने कितनी फिश रखनी है। उस हिसाब से आप ये डिसाइड करते हो कि आपको कितना पानी चाहिए। उसके बाद आप ये डिसाइड करते हो कि उसके टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो उसके बाद आप अपना प्लानिंग करते हैं कि मैं बेड्स कैसे बनाऊं। ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि फिश कितना वेस्ट प्रोड्यूस करेगी। उस वेस्ट को देखते हुए मुझे कितना कन्वर्जन करना है। उस कन्वर्जन को देखते हुए आप मैकेनिकल फिल्टर और बायोफिल्टर की साइजिंग करते हैं। जब आपने अपना फार्म सेटअप कर लिया है तो आप एक पहले एक छोटी सी नर्सरी बनाते हो। इस नर्सरी में हम यूज करते हैं कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट का मिक्सचर बनाते हैं। उस मिक्सचर को लेके हम उसमें बीज लगाते हैं और फिर लगातार पानी देते हैं। जब वो पौधा एक ढंग के साइज का हो जाता है, उसका रूट स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो हम उस पौधे को निकाल के अपने बेड्स में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जी इसमें हम बेजिल, लेटस, कोरिएंडर, बीन्स, भिंडी, देन टोमेटोस, पेपर्स, कुकुम्बर्स और भी बहुत तरह की हैं। बाकी आप अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स की एक दूसरी टेक्निक है, उसे एरोपोनिक्स कहते हैं। जो हमारा रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, तो इसके लिए तिलापिया फिश आइडियल है। तिलापिया फिश एक हार्डी फिश है। अगर आपके वाटर पैरामीटर्स, आपकी वाटर क्वालिटी अगर ख़राब भी हो जाती है तो वो अपने आप को सस्टेन कर लेती है। कन्वेंशनल फार्मिंग से एक्वापोनिक फार्मिंग में आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रोड्यूस मिलता है। दूसरी बात, ये तो सिर्फ वेजीज की बात हुई, आपको फिश भी साथ साथ मिल रही है, तो आपकी मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो गए। तीसरी बात, एक्वापोनिक में अगर आप मल्टीपल क्रॉपिंग करें तो आपको और फायदा होता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में जो पानी है ये बफर का काम करता है। जैसे बाहर अगर टेम्परेचर हाई लो हो जाता है, लेकिन पानी के अंदर जो टेम्परेचर की वेरिएशन होती है वो धीरे धीरे होती है, तो वो इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन द क्लाइमेट एंड द प्लांट्स, और वो प्लांट को एक एडजस्ट होने का मौका देता है। ये जो फार्मिंग है ये आप ओपन में भी कर सकते हैं, नेट हाउस में भी कर सकते हैं और पॉली हाउस में भी कर सकते हैं। ओपन में इंसेक्ट्स और वायरस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने क्रॉप को कितना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।